हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। सबसे पहले मैं यहाँ नॉट में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी टीचर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके देखें, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर कोचिंग लें या नहीं लें, कोर्स लें या नहीं लें, जैसे सीजीएल को लेके, एक्साइज कॉन्स्टेबल को लेके इतने मैसेजेज आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन छात्रों को बता देना चाहता हूँ जो थोड़ा सा परिश्रमी हैं, वो कोचिंग ना लें, सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहें तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो है मार्केट्स में इतने बुक्स अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक अवेलेबल हैं कि आप जैसे सीजीएल के कोर्स को आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जैसे सीजीएल के कोर्स इतने आसान होने के बाद भी, मैं आसान तो नहीं बोलूँगा लेकिन इतना आसान है, अगर आप इजिली कर सकते हैं बुक से कर सकते हैं, इसमें कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोचिंग का ज़रूरत सिर्फ इसमें पड़ सकता है कि मैथ के क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चंस, इसमें कुछ ज़रूरत पड़ सकते हैं जो छात्रों का मैथ थोड़ा कमज़ोर है, बैकग्राउंड मैथ नहीं है, उन छात्रों को मैथ के कोचिंग्स लेने की ज़रूरत है और वो भी नोट्स के माध्यम से आपको मिल जा सकता है, वहाँ भी कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा पेपर टू जो है जैसे सीजीएल, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आया था कि जैसे सीजीएल में पेपर टू का जो है वो खोटा के लिए आया था कि खोटा का जो है कोर्स अभी लेना सही रहेगा या नहीं है। तो खोटा का कोर्स का हमको प्राइस जो है वो 2000 रुपया बताया और एग्जामिनेशन में डेट अभी 1.5 महीना है। 1.5 महीना में जब आपका, इतना याद रखिएगा कि 1.5 महीना में आपका जब वो दावा कर रहे हैं कि कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, तब इसका प्राइस 2000 नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप 100% श्योर रहिए और मेरे तरफ से यही मानना है कि खोटा में भी अच्छे अच्छे बुक जो हैं वो आ चुके हैं, नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसको लेके आप थोड़ी, अगर खोटा आपका लैंग्वेज है तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज का सिलेबस मैंने देखा नहीं, लेकिन खोटा का जो है जो क्वेश्चन आया था मेरे पास और खोटा लैंग्वेज का सिलेबस मैंने अच्छे ढंग से देखा है, तो वहाँ पे मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि सिलेबस के अनुसार जो भी बुक आया हुआ है मार्केट में उसको आप लेके आराम से खोटा कर सकते हैं। अगर आपको बुक के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बुक के बारे में बता देता हूँ कि खोटा का जो है बुक वो खांठी खोटा, उसके बाद आपका और भी एक दो बुक है जो आप ले सकते हैं, ये बुक बहुत बेहतर है। दिनेश दिनमणि सर का गोटा गोटी एक बुक आया हुआ है, गोटा गोटी, वो भी आप ले सकते हैं। और भी बुक्स आने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो वहाँ पे आप लेके कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उस तरह का सिलेबस यहाँ पे नहीं है। बात करूँगा पेपर थ्री के बारे में, तो देखिए झारखंड जीके है, इसमें आप क्या ही कोचिंग लीजिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर देखिए और बुक उठाइए और उसी अनुरूप आप जो है पढ़ाई बुक से ही करिए। जीके आ जाइए, जीके में इतने एग्जामिनेशन हुए हैं SSC CGL के, SSC CPO के, और भी UPSC के, और भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं हमारे जैसे सीजीएल में भी प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो सबको देख के आप आराम से झारखंड जीके जो इंडियन जीके है उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तीसरे नंबर में बात करूँगा रीजनिंग, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें टॉपिक वाइज जो है यूट्यूब से ही पढ़ाई किया जा सकता है। मैथमेटिक्स तो मैंने बता दिया कि जिनका कमज़ोर है उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप ले लें, उसके लिए इतना जो है हतोत्साहित होने का ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर जो है एक ही बुक जो है आपको काफ़ी है, वो है परीक्षा मंथन, इस किताब को ले लीजिए, इसके थ्योरी पढ़ लीजिए और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए या प्रैक्टिस सेट लीजिए, उससे प्रैक्टिस आप कर लीजिए चैप्टर वाइज, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर भी यहाँ पे कंप्लीट है। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस के बुक में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेलवे का जो है समान अध्ययन आप ले लीजिए। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है खान सर का 15000, ये किताब ले लीजिए और यहाँ से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं और इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15000 ऑब्जेक्टिव लेना आपको बहुत ज़रूरी है, आपके पास जो भी बुक है उससे आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। साइंस हो गया, झारखंड जीके मैंने बता दिया, जीके बता दिया, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया, साइंस बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, खोरठा बता दिया, अब बाकी क्या रह गया सिलेबस में? कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। तो उन छात्रों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कोचिंग वाले अभी भी बोल रहे हैं कि मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा, अभी भी कोर्स ले लीजिए, फाउंडेशन बैच तो ये बैच वो बैच,
और कोर्स का नाम 3,000 4,000, तो उसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है। उस माया जाल में अगर आप फंस जाइएगा तो सेल्फ स्टडी आपका नहीं हो पाएगा। और मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में सेल्फ स्टडी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है और वही चीज़ आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। अभी वीडियो लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मानता हूँ अगर 1 साल 1.5 साल आपके पास टाइम रहता तो अगर कोर्स आप लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल गाइडेंस भी ज़रूरी होता है। लेकिन अभी के टाइम जो ऐसे हैं, इस टाइम में बेहतर यही होगा कि खुद से पढ़ाई करें, बेहतर ढंग से पढ़ाई करें। और गाइडेंस तो यहाँ पे मिल ही जा रहा है कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बाकी मैं बहुत जल्द आपको ये भी बताने वाला हूँ कि रीजनिंग का जो है पढ़ाई कहाँ से करनी है, कंप्यूटर की पढ़ाई कहाँ से करनी है, मैथमेटिक्स का पढ़ाई कहाँ से करनी है, मतलब कौन कौन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए। तो बहुत जल्द मैं एक एक करके वीडियो हर एक चैप्टर का बना दूंगा, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं अभी किसी को मना नहीं करता हूँ, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप अभी भी 2,000 का जो है वो कोर्स खोटा का ले सकते हैं, नागपुरी का ले सकते हैं, इंग्लिश का ले सकते हैं, हिंदी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अभी लेना कहीं ना कहीं आप गलत कदम उठाने के कगार पे हैं और आप गलत कदम उठा रहे हैं। ठीक है, इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।